स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 21 ऑफ चैप्टर 7। पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 स्टार्ट कराया था, जिसके अंदर हमने ग्रुप 17 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के बारे में आपको बताया था। जो हमने फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर बताया था और उसके जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस निकल कर आए थे, वो सारे केसेस आपको याद रखने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन और इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कम्स फ्रॉम द एक्सेप्शनल केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस पार्ट में हम आगे करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स विद टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, आइए देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन के साथ भी जो हमने की हैं, चाहे वो ग्रुप 15 हो, ग्रुप 16 हो और ये ग्रुप 17 है, सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छे से, उसके अंदर क्या वेरिएशन होता है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर में लिखिए, थर्मल स्टेबिलिटी के करेक्टर में लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट के करेक्टर में लिखिए या मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लिखिए, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो क्या होता है, जितने भी हैलोजन एटम्स होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स हैं, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज एच एक्स। एक्स यहाँ पर कोई भी हैलोजन एटम है, बट द एफिनिटी और टेंडेंसी टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फ्लोरिन टूवर्ड्स द हाइड्रोजन हैलोजन एटम्स को अरेंज कीजिए कि कौन कितनी जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है, तो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट रेडिली रिएक्शन करता है और जो फ्लोरीन होता है वो लीस्ट रेडिली रिएक्शन करता है, बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, ऑल ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स आर एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। ओके, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ। तो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप कैसे, एच एफ इज़ द लीस्ट एंड एच आई इज़ द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हैलोजन एटम्स का साइज बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से एच एक्स बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और वो इजीली एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोजन हैलाइड की एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज एच एक्स बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और वो इजीली एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। कोई भी एसिड जितनी जल्दी एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी। तो द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एच एफ इज द मोस्ट स्टेबल एंड एच आई इज द लीस्ट स्टेबल, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये कोई भी टर्म नहीं है, नहीं है और कोई भी रिलेशन नया नहीं है। ऑल ऑफ दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। If you have not paid attention there, then you have to pay attention here. Okay, because all of this will come in your examination. ठीक है, तो next we will talk about the bond length. On moving down the group of 17 element, the bond length of HX increases because the atomic size of halogen increases. तो HF की जो bond length होती है वो सबसे कम होती है और HI की जो bond length होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ ग्रुप 17, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स का, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो HCl और HBr से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। ठीक है, और HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है वो हम एनोमलस बिहेवियर के ऊपर बता चुके हैं कि भाई जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक साइज कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है जिसकी वजह से HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, इट इज HCl, HBr, HF एंड HI। तो HCl का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम और HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। जनरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो डिस्पर्सन फोर्सेस इंक्रीजेस, बट HF हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फिर भी HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि HF के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन के ऑक्साइड्स की। जो फ्लोरीन होता है वो दो ऑक्साइड बनाता है सिर्फ, और उनका जो नाम होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड। ये नहीं कि फ्लोरीन ऑक्साइड कभी नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका नाम बाद में बोला जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर दोनों के लिए होती है, इनऑर्गेनिक के लिए भी और ऑर्गेनिक के लिए भी। ऑर्गेनिक के लिए आपने पढ़ी है, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जो आप भूल चुके हो, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो एलिमेंट की जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका नाम पहले बोला जाता है विदाउट चेंज इन इट्स नेम, एंड जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका नाम बाद में बोला जाता है विद चेंज इट्स नेम आइड। तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड दो तरीके का ऑक्साइड होता है, एक होता है OF2, एक होता है O2F2। ठीक है, इन दोनों में से OF2 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, OF2 एंड OF2 दोनों ही क्या करते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो जैसे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके अंदर प्लूटोनियम बनता है, तो प्लूटोनियम को प्लूटोनियम फ्लोराइड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन OF2 से करा देते हैं O2F2 से, और ये इसको PUF6 प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में चेंज कर देता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूल स्पेंट होता है उसमें से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो तीनों ही क्या करते हैं, ये ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एक काइनेटिक फैक्टर और एक थर्मोडाइनेमिक फैक्टर। काइनेटिक फैक्टर तो मतलब हो गया कि वो कितनी रेडिली रिएक्शन करते हैं, थर्मोडाइनेमिक फैक्टर हो गया कि वो किस टेम्परेचर पर स्टेबल है और किस पर स्टेबल नहीं है। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन होता है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक हो सकती है। ठीक है, और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है, जो आयोडीन होता है उसके साथ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और ब्रोमीन के साथ स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, जो ऑक्साइड होते हैं
जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलोजन ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन द लोअर वन। ये मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, ये आपको लिखना है कि जो ऑक्साइड होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन दैट ऑफ लोअर स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड के। तो क्लोरीन के आपके पास चार ऑक्साइड हैं, Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं और टेंड्स टू एक्सप्लोड। मतलब अगर उनको आप हाई टेम्परेचर पर रख दो तो वो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है Cl2 का, ClO2 का। ClO2 जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर पल्प, वुड पल्प में और वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रोमीन ऑक्साइड। तो क्या होता है, Br2O, BrO2 एंड BrO3। ठीक है, इसमें इसके तीन ऑक्साइड हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लीस स्टेबल होते हैं, जैसे हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं और ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर वर्क करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। तो I2O4, I2O5 एंड I2O7, और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो I2O4 है इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, और इसका जो यूज होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एस्टिमेशन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में किस हैलोजन का ऑक्साइड यूज़ किया जाता है और कौन सा ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ I2O5। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में हम बात करेंगे कि जितने भी हैलोजन होते हैं वो सभी मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाते हैं, चाहे मेटल डाईवेलेंट है या मोनोवेलेंट है। मीन्स मेटल के ऊपर या चाहे टू पॉजिटिव चार्ज है या वन पॉजिटिव चार्ज है या थ्री पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इनका जो अगर किसी मेटल के सेम मेटल के साथ सारे ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं तो उनका जो आयनिक करेक्टर होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल। फैजन्स रूल क्या कहता है कि अगर आयन का साइज बढ़ता है, एनायन का साइज बढ़ता है, तो उसमें कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है ड्यू टू पोलराइजिंग इंक्रीज इन द पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है और आयनिक करेक्टर कम हो जाता है। इसलिए अगर सेम कैटायन है तो उसमें जो मेटल फ्लोराइड होगा उसका आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कोई भी एक हम जेनेरिक मेटल मान लेते हैं, जैसे एम है, दैट इज मोनोवेलेंट, तो एम एफ विल हैव लार्जेस्ट या ग्रेटर आयनिक करेक्टर एंड एम आई विल हैव द लीस्ट आयनिक करेक्टर। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर कोई मेटल है और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि ग्रुप डी के एलिमेंट्स हैं तो उसमें, या ग्रुप डी या पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसमें क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वहाँ पर भी फैजन्स रूल क्या करता है, रोल प्ले करता है। वो कहता है कि भाई हायर द चार्ज ऑन दी एनायंस कैटायन हायर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है और आयनिक करेक्टर कम हो जाता है। तो इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हेलोजन एटम के लिए जो मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा और कोवलेंट करेक्टर उतना ही कम होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं SnCl4 और SnCl2। तो SnCl4 में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और SnCl2 में कोवलेंट करेक्टर कम होगा, क्योंकि SnCl4 में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज हो गई, मतलब उसके ऊपर फोर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो चार्ज ज़्यादा हो गया तो पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल। ठीक है, तो PbCl2 एंड PbCl2 में PbCl4 का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, SbCl5 का SbCl3 से कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और UF6 का जो कोवलेंट करेक्टर है वो UF4 से ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन टुवर्ड्स द अदर हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन टुवर्ड्स द अदर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन
अदर हेलोजन एटम से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इनके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, XX3, XX-XX-3, XX-5 एंड XX-7। ठीक है, जहाँ पर जो एक्स है मीन्स हेलोजन एटम है उसका जो साइज है वो बड़ा है और जो एक्स डैक्स है उसका साइज एक्स से कम है। ठीक है, इंटर हेलोजन जो आएंगे वो अलग से एक टॉपिक है, उसको हम बाद में बताएंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी डाउट है वो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।